स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज में। मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। अजहरुद्दीन ये वो नाम है जिसने भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कसम खाई है। अजहरुद्दीन वो आतंकी है जिसका मकसद सिर्फ एक है, भारत में आतंकवाद फैलाना, इस देश के युवाओं को शरिया और जिहाद पढ़ाना। जिहादियों का ये आका है अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट और जमाते मुजाहिदीन बांग्लादेश से इसका खास रिश्ता है। ये आतंकी जिहादी साहित्य और वीडियो दिखाकर युवकों को अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट और जेएमबी की विचारधारा से जोड़ने की कोशिश में लगा है। ये पाकिस्तान से नहीं आया बल्कि भारत का ही है। और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का रहने वाला है। बता दें कि वो बांग्लादेशी अभियुक्तों और AQIS जेएमबी के सक्रिय अपराधियों मुदस्सिर अबू तलहा एहसान मुफक्किर से जुड़कर लोगों में जिहादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करता था और लोगों को AQIS और जेएमबी संगठन की विचारधारा से जोड़कर भारत में शरिया कानून स्थापित कर चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को हटाकर इस्लामिक राष्ट्र की स्थापना के लिए काम कर रहा था। और आजकल भारत में आतंकियों के बहुत बुरे दिन चल रहे हैं क्योंकि उनके गंदे मंसूबे और जिहादी सोच कामयाब होने से पहले उन्हें धर दबोचा जाता है। जी हाँ, दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवाद ATS को बड़ी सफलता मिल गई है। ATS की टीम ने अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट और न्यू जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी कि JMB आतंकी संगठन से जुड़े संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार कर लिया। ये एक तरह से ATS को बड़ी कामयाबी मिली है। अजहरुद्दीन वो आतंकी है जो नमक भारत का खा रहा था लेकिन गद्दारी भी भारत से कर रहा था। ऐसे जिहादी सोच वाले आतंकी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच का सारथी।